हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आपको तो पता ही है, होम लोकेशन के ऊपर हमने एक जस्ट वीडियो बनाई है और उस वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बताई थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है और वहां पर एक पोल चलेगा जिसमें आपको जो है अपना वोट देना है कि एक टीम बन रही है। जी हाँ, हम क्लियर कर दें कि आखिरकार व्हाट्सएप में हो क्या रहा है। हो सकता है आप ज्वाइन ना हुए हो, फिर भी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि हमने होम लोकेशन के बारे में कंपनी से बात करी थी, तो कंपनी का कहना यह है कि देखिए, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि बाकी कंपनियों पे ऑर्डर अगर आ रहे हैं और राइडर्स उसको कर रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए अपनी कंपनी पे अर्थात पोर्टर के ऊपर ऑर्डर को बढ़ाने के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए। तो देखिए, कंपनी के पास बहुत ही आसान तरीका है जो लगभग सभी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। पोर्टर के पास भी वही तरीका है, कुछ अलग से पोर्टर को करने की जरूरत नहीं है। और वो तरीका है रेट गिराना। जी हाँ, अगर हम बाकी कंपनियों से कंपेयर करें पोर्टर का, तो अभी भी पोर्टर का रेट बाकी कंपनियों से अधिक है। कस्टमर को भी पोर्टर अधिक चार्ज करती है, तभी राइडर्स को अधिक देती है। लेकिन बाकी कंपनियां कस्टमर से भी काफी कम रेट चार्ज कर रही हैं और राइडर को 6 रुपए, 6.5 रुपए, 7 रुपए के बीच में रेट दे रही है। अब अगर पोर्टर को अपनी कंपनी के ऊपर ट्रिप को बढ़ाना है ताकि आपको होम लोकेशन ऑन करते ही होम लोकेशन की तरफ की ट्रिप आ जाए, तो उसके लिए देखिए कंपनी को बहुत कुछ नहीं करना है, कंपनी को सीधा अपना रेट गिरा देना है। कंपनी भी मार्केट में जिस तरह बाकी कंपनियों के रेट हैं उसी रेट के ऊपर अगर आ जाती है, तब कस्टमर के लिए बहुत इजी हो जाएगा पोर्टर को चुनना, दूसरी कंपनियों को छोड़ना। तो होगा क्या, एक कंपटीशन होगा और धीरे धीरे वो कस्टमर जो पोर्टर से टूट गए हैं या पोर्टर पे नहीं आ रहे हैं, वो सारे के सारे पोर्टर पे लौट जाएंगे। लेकिन इससे बेनिफिट तो पोर्टर का होगा, लॉस किसका होगा? लॉस होगा आपका। जी हाँ, क्योंकि अभी आपकी भी पहली पसंद कहीं ना कहीं पोर्टर ही है, क्योंकि पोर्टर आपको अच्छा रेट देती है, ये आपको पता है। आप भी पहली कोशिश यही करते हो कि पहला ऑर्डर उठाऊं तो पोर्टर का उठाऊं, उसके बाद कोई दूसरा ऑर्डर उठाऊंगा या उसके बारे में सोचूंगा। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी को मार्केट के अंदर अपने आप को जमाने के लिए, ऑर्डर की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ एक कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजना है कि हमने डिस्काउंट दे दिया है और आज से आपका रेट ये हो गया। लेकिन कस्टमर का रेट अगर डिस्काउंट होने के बाद कम हो जाएगा, तो लाजमी बात है कंपनी अपनी जेब से आपको तो देगी नहीं, कंपनी आपका रेट भी कम कर देगी और ट्रिपों की बौछार आ जाएगी पोर्टर के अंदर। लेकिन आज आप जो पोर्टर की जय जय करते हैं अच्छे रेट की वजह से, वह आप करना छोड़ देंगे। और यही मुद्दा हमने भी कंपनी की मीटिंग में उठाया था कि देखिए, आप रेट कम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आज अगर राइडर की पसंद पोर्टर है तो वो सिर्फ इसलिए है कि पोर्टर थोड़ा अच्छा रेट दे रहा है बाकी कंपनियों से। और कस्टमर की पसंद इसलिए है कि कस्टमर को पता है कि बहुत ही फास्ट सर्विस मिलती है हमें पोर्टर के अंदर, पोर्टर का राइडर एक पार्सल को भी लेके डिलीवरी करता है। ये कस्टमर को भी पता है कि हमारा बाकी कंपनियों के अंदर अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहां पर वो ऑर्डर डिले होगा ही होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो पोर्टर को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें समय की कीमत पता है, उन्हें पता है अगर समय है तो पैसा है। इसी खूबी को देखते हुए पोर्टर जो है अपने रेट को गिराता नहीं है और आपको अच्छा रेट मिलता है। अब कुछ YouTube की वीडियो पर कमेंट्स आए जो काफी अच्छे कमेंट्स हैं, उनका कहना है ये सब उपाय जो ये रेफरल का प्रोग्राम है, हो सकता है ना पता हो, हम आपको वीडियो में एंड में आपको बता देंगे कि पोर्टर एक रेफरल का प्रोग्राम चला रहा है जिसके अंदर राइडर्स को इनकम होगी, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम आपको कमेंट्स के ऊपर एक चर्चा करते हैं। भाई है हमारे, उन्होंने लिखा है कि ये सब उपाय बेकार है, कंपनी को ट्रिप बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, इस सवाल का जवाब हम पहले दे चुके हैं, कंपनी को ट्रिप बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेट गिरा देना है। और कंपनी नहीं चाहती है कि वो रेट गिराए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। बात करते हैं दूसरे कमेंट्स की। तो दूसरा कमेंट है मिश्रा जी, क्या अब होम लोकेशन के लिए पोर्टर की मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी? देखिए, आप ना पोर्टर की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एक समय था जब पोर्टर के अंदर ट्रिपों की भरमार थी, आपके पास ट्रिप जो है 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से भी आया करती थी। और आज एक समय ऐसा आ गया है जब राइडर की भरमार हो गई है, तब आपके पास ट्रिप आती है 1 किलोमीटर 200 मीटर के दायरे के अंदर ही। हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि राइडर्स भाई ने ही दूसरे राइडर्स भाई को रेफरल कर करके राइडरों की संख्या पोर्टर के अंदर काफी बढ़ा दी है।
एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि दिलसाद गार्डन के झिलमिल के अंदर पहले 5 राइडर हुआ करते थे और वहां से 10-12 ट्रिप आया करती, तो उनको बहुत आसानी से राइड मिल जाया करती थी। लेकिन धीरे 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 राइडर्स ने ही रेफरल प्रोग्राम की वजह से अपने दोस्तों को, नए लड़कों को जानकारी दी, उनको रेफरल किया, रेफरल का बोनस लिया और उनको वहां पर ज्वाइन करवा दिया। अब आज उसी जगह पर 25 लड़के खड़े हैं। ट्रिप बढ़ी है धीरे धीरे, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी है जिस हिसाब से लड़के बढ़ गए। अब लड़के बढ़ गए तो लाजमी बात है आपकी ट्रिप, जो शुरुआत के 5 लोग थे उनकी ट्रिप घट गई है, अब उनके पास काम नहीं है। लेकिन ये जो रेफरल प्रोग्राम है जिसके बारे में हम आपको अभी जानकारी देंगे, इस रेफरल प्रोग्राम के तहत होगा क्या कि आपको कस्टमर को रेफरल करना है और कस्टमर को रेफरल करने की वजह से क्या होगा कि कस्टमर बेस बढ़ेगा। जी हाँ, राइड बढ़ेगी, आपकी राइड छीनेगी नहीं। अब कहीं ना कहीं इससे कंपनी का बेनिफिट तो होगा लेकिन आपका बेनिफिट भी होगा। आप ज्यादातर पोर्टर चलाते हैं, होम लोकेशन ऑन करेंगे तो आपको ट्रिप मिलना चालू हो जाएगी, यहाँ पर आपका लॉस नहीं है। हाँ, रेफरल करने की वजह से कंपनी की तरफ से आपको कुछ राशि दी जाएगी जिसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा और ट्रिप का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगले कमेंट्स के अंदर कहा गया है कि कंपनी को सिर्फ अपना बेनिफिट दिखता है। देखिए, कोई भी हो, राइडर्स हो या कंपनी हो, हर कोई अपने बेनिफिट के लिए काम करता है। हम पोर्टर के लिए काम नहीं करेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे। जहां हमारा बेनिफिट दिखेगा वहां हम काम करेंगे। आज हमें पोर्टर में अच्छा रेट मिल रहा है तो हम पोर्टर में काम करेंगे, कल किसी और कंपनी में अच्छा रेट मिलेगा तो हम वहां पर काम करेंगे, उसकी ट्रिप को उठाएंगे। आज अगर पोर्टर अच्छा रेट दे रहा है तब हम आज पोर्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कल पोर्टर रेट बेकार देगा, राइडर्स को पसंद नहीं आएगा, तो इसी पोर्टर की कमियां भी हम आपको अपने इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। एक अगले कमेंट्स में कहा गया है, थैंक्स मिश्रा जी, बहुत ही जल्दी आप पोर्टर का काम दिल्ली का भी संभाल लोगे, सब कुछ संभाल। देखिए, हमें पोर्टर में काम नहीं करना है, ना ही हमें पोर्टर का काम संभालना है। हम केवल आपकी एक जायज मांग की होम लोकेशन होना चाहिए और वो बहुत छोटी मांग है। हम पीछे की वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो झुंझुना नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य के ऊपर काम कर रहे हैं और पोर्टर के साथ जो पोर्टर ने एक उपाय, एक सुझाव बताया है, उस पर काम कर रहे हैं और उस पर काम हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कर रहे हैं। वहाँ पर हम एक टीम गठित कर रहे हैं। आज पोर्टर अच्छा है, आज पोर्टर रेट अच्छा दे रहा है, राइडर्स की बात मान रहा है, तब हम पोर्टर के साथ हैं। अगर पोर्टर राइडर्स की बात को नहीं मानता है, राइडर्स को नुकसान पहुंचाता है, तब हम पोर्टर के बिल्कुल भी साथ नहीं है। जो कंपनी राइडर्स के साथ है हम उस कंपनी के साथ हैं। अब हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि पोर्टर ने क्या सुझाव दिया है। होम लोकेशन लगाने के बाद आपको ट्रिप आए ही आए, आप अपने घर पोर्टर की ट्रिप को करते हुए जल्द से जल्द पहुंचे, तो देखिए उसके सुझाव के लिए पोर्टर का जो सुझाव आया है वो ये आया है कि हमारे द्वारा एक लिस्ट पोर्टर कंपनी को दी जाएगी जिसके अंदर कुछ सिलेक्टेड राइडर्स होंगे। उन सिलेक्टेड राइडर्स को कंपनी एक QR कोड जनरेट करके देगी। इस QR कोड से कस्टमर को पोर्टर के ऐप को डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो कस्टमर सिर्फ आपका QR कोड स्कैन करेगा और उसका पोर्टर ऐप डाउनलोड हो जाएगा। आपके QR कोड से स्कैन होने की वजह से कंपनी के अंदर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यह कस्टमर आपके द्वारा रेफरल किया गया है। अगर कस्टमर ऐप को डाउनलोड करने के बाद कभी डिलीट भी कर देता है और दोबारा से कभी डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करता है, तब भी पहली बार आपका QR कोड उसने यूज किया था, इसलिए वो आपके ही द्वारा रेफरल माना जाएगा और उस रेफरल की अमाउंट आपको जरूर मिलेगी। जी हाँ, पहले क्या होता था, आप किसी राइडर्स को अगर रेफरल करते थे तब आप अपना काम बांटते थे, यानी आपके पास जो भी काम है उसके अंदर आप एक और राइडर को लेके आ जाते थे और बोलते थे अब जो ट्रिप आएगी बांट बांट के खाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना काम कम करते थे। लेकिन अब जो आप रेफरल करेंगे उससे क्या होगा, आप अपने काम को बढ़ाएंगे। आपके द्वारा रेफरल से जब वह कस्टमर लगातार 5 ट्रिप बुक कर चुका होगा, जैसे ही उसकी 5 ट्रिप कंप्लीट होगी, कंपनी की तरफ से आपको पुरस्कार स्वरूप ₹200 दिए जाएंगे और यह हर कस्टमर पर लागू होगा। अगर आप एक दिन में सिर्फ 2 कस्टमर को ही रेफरल करते हैं अपने QR कोड से, तब आपको उन दोनों कस्टमर के जैसे ही 5 ऑर्डर कंप्लीट होंगे ₹400 मिल जाएंगे। तो एक तरफ तो आप रेफरल से भी कमा रहे हैं, प्लस आप अपने लिए ट्रिप भी बढ़ा रहे हैं, अपना काम नहीं कम कर रहे हैं। तो अगर आपको रेफरल प्रोग्राम से जुड़ना है तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि
हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक लिस्ट बना रहे हैं। हम पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं कि सीमित संख्या में, शुरुआत में यह एक ट्रायल बेस है, तो सीमित संख्या में राइडर्स जो है इस रेफरल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे। जो लिस्ट हमारे द्वारा कंपनी को भेजी जाएगी, कंपनी उन सभी राइडर्स को कॉल करेगी। कॉल करके उनसे उनका नाम, बाइक का नंबर और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद एक QR कोड जनरेट होगा जो इन राइडर्स के पोर्टल के ऐप के अंदर ही शो होगा। बाकी राइडर्स के ऐप के अंदर यह QR कोड शो नहीं होगा, केवल टीम का हिस्सा बने राइडर्स के ऐप के अंदर ही यह QR कोड शो होगा और वही राइडर्स कस्टमर को डायरेक्ट रेफरल कर सकते हैं और इनकम कर सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नए कस्टमर भी पोर्टल पे ला सकते हैं। हो सकता है कुछ भाइयों को यह रेफरल स्कीम अच्छी ना लगी हो, हो सकता है किसी को अच्छी लगी हो। तो देखिए, कुल मिला के हम ये कहते हैं कि हमने कंपनी के सामने प्रस्ताव रखा कि आप होम लोकेशन दे दीजिए राइडर्स को, और कंपनी ने कहा कि होम लोकेशन देना बहुत इजी है लेकिन उसके लिए ट्रिप भी तो होनी चाहिए होम लोकेशन के ऊपर आने के लिए। तो कंपनी के पास दो रास्ते थे, एक रास्ता था रेट कंपनी गिरा दे तो कस्टमर अपने आप बढ़ जाएंगे, और दूसरा रास्ता है ये वाला जिसके बारे में हमने जानकारी दी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह रेफरल प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ के आगे की रणनीति कंपनी से साझा कर सके कि इसमें कुछ बदलाव हो सकता है तो आप इस तरीके से बदलाव कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।